बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रोज़ाना वाक़ियात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत हकीम लुक़मान का तज़किरा क़ुरान करीम में सूरह लुक़मान में आया है। ये वाज़ेह नहीं कि वो नबी थे या नहीं, अलबत्ता वो एक बहुत दाना आदमी थे और बहुत सी हकायात उनसे मंसूब हैं। उनकी हिकमत भी मशहूर है और उर्दू की मशहूर मिसल है के वहम की दवा तो हकीम लुक़मान के पास भी नहीं, यानी उनको हिकमत की मेराज समझा जाता है। हकीम लुक़मान अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते थे और उनका ईमान बहुत ताकतवर था। हज़रत लुक़मान की मदह व सना और उनकी बास नसीहतों का तस्करा कुरान में बड़ी अजमत व शान के साथ बयान किया गया है और उन्हीं के नाम पर कुरान मजीद की एक सूरत का नाम सूरह लुक़मान रखा गया। मोहम्मद बिन असक साहब मुगाजी ने उनका नसब नामा इस तरह बयान किया है, लुक़मान बिन बाउर बिन बाहूर बिन तारख। ये तारख वही है जो हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। और मौरखीन ने फरमाया कि आप हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के भांचे थे और बास का कौल है कि आप हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के खाला जाद भाई थे। हज़रत लुक़मान ने 1000 बरस की उम्र पाई, जहाँ तक कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सोबत में रहकर उनसे इलम सीखा। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बासत से पहले आप बनी इसराइल के मुफ्ती थे, मगर जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मनसब नबूवत पर फ़ायस हो गए तो आपने फतवा देना तर्क कर दिया। हज़रत अकरमा और इमाम शौबी के सिवा जमहूर उलमा का यही कौल है कि आप नबी नहीं थे बल्कि आप हकीम थे और बनी इसराइल के नहायत ही बुलंद मर्तबा साहिब ईमान और बहुत ही नामूर मर्द सालिह थे, और अल्लाह ताला ने आपके सीने को हिकमतों का खजीना बना दिया था। हजरत लुक़मान हकीम अकल के रोशन और रंग के स्याह थे। जमाने के दस्तूर के मुताबिक वो एक लड़ाई में गिरफ्तार होकर गुलाम बन गए। बिकते बिकते एक ताजिर के पास पहुँचे, उसे मालूम न था कि यह लुक़मान है। उसने आपको मजदूरी पर लगा दिया, वो आपसे गारा बनाने का काम लेता था। एक दिन ताजर ने अपने सब गुलामों को बाग में मेवा चुनने भेजा, वो सब मेवा चुनकर खा गए और लुक़मान का नाम ले दिया। आका बड़ा गुस्सा हुआ। लुक़मान ने कहा कि अगर मुझ पर इल्ज़ाम साबित हो तो बेशक मैं काबिले सज़ा हूँ। चोरी मालूम करने की एक तजवीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आप असल मुजरिमों को पकड़ना चाहें तो इस पर अमल करें। ताजिर ने पूछा किस तरह? लुक़मान ने अर्ज किया, आका पानी में लहसुन की पोथी डालकर उसे उबालिए और वो उबला हुआ गरम गरम पानी सबको पिलाकर हुक्म दीजिए कि 1 घंटे खेत में दौड़ें, इस तरह कह आएगी और जो कुछ किसी ने खाया होगा जाहिर हो जाएगा। आका ने कहा, यह तजर्बा तो आसान है। उसने फौरन लहसुन मंगवाया और उसका उबला हुआ पानी सबको पिलाकर दौड़ाया। जब कैद करने लगे तो सिवाय लुक़मान के सबके पेट से मेवा निकला। आका ने सब गुलामों को सजा दी और लुक़मान से माफ़ी मांगते हुए कहा कि मैंने ना समझी से जो आपको ना पहचाना वो मेरी खता थी, या अल्लाह इसे माफ़ कर दीजिए। आइंदा घर का सारा इंतज़ाम आपकी सपुर्द है, आप स्याहो सफ़ेद के मालिक हैं, जो चाहें करें, मैं कुछ दखल ना दूँगा। मज़ीद ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।